हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के गर्भ में क्या है, कैसे है पृथ्वी, अंदर से गैसीय है, तरल है, ठोस है, इन चीज़ों का आज अध्ययन करेंगे। जो पृथ्वी है उसका जो आंतरिक भाग है उसका पता लगाना असंभव है, मगर कठिन नहीं है, क्योंकि हम देखो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको देख नहीं सकते, वो दृश्य नहीं है। और जो पृथ्वी की देखो जो गर्भ है, जैसे जो हमारी पृथ्वी है उसका जो निर्माण है तारों से हुआ है, तारों का से मतलब सूर्य से। अब सूर्य क्या है, एक तप्त तारा है, बहुत अधिक गर्म है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। जब प्रारंभिक काल में जो पृथ्वी थी वह बहुत अधिक गर्म थी, तो धीरे धीरे वो ठंडी हुई, मगर पृथ्वी का जो भूगर्भ है वो आज भी गर्म है, आज भी उसमें बहुत अधिक तापमान है। वैसे तो जो पृथ्वी का भूगर्भ का अध्ययन है वो हमारे भूगोल के क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि पृथ्वी का जो भूगर्भ का जो क्षेत्र है वो जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र में आता है, लेकिन हम भूगोल के अंदर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो जो पृथ्वी का भूगर्भ है उसके कारण पृथ्वी का जो सरफेस है, इसका धरातल है, तल है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना। तो इसलिए जो पृथ्वी है उसके भूगर्भ का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, तो इसलिए आज हम पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन करेंगे। देखो इसके अध्ययन के लिए तीन बातें या तीन कारण बताए गए हैं। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो पृथ्वी की संरचना से संबंधित जानकारी देते हैं वो स्रोत तीन भागों में उनको बांटते हैं। देखो पहला तो है अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स। सेकेंड है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, उसके बाद देखो थर्ड आता है प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स। पृथ्वी की संरचना की जानकारी इन तीन स्रोतों से हमें उपलब्ध होती है। पहला है अप्राकृतिक स्रोत, सेकेंड है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और थर्ड आता है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में देखो इसके तीन भाग दिए हुए हैं। पहला है इसमें घनत्व, सेकेंड है इसमें दबाव प्रेशर, थर्ड है इसमें तापमान टेम्परेचर। अप्राकृतिक साधन में ये तीन भागों में बांटा है इसे, घनत्व, डेंसिटी, दबाव, प्रेशर, तापमान टेम्परेचर।
ठीक है। और फिर जो तीसरा भाग है प्राकृतिक स्रोत है, इसे दो भागों में बांटा है। पहला है इसमें ज्वालामुखी और सेकेंड है भूकंप। ठीक है, तो इन स्रोतों से हमें पृथ्वी की संरचना का ज्ञान होता है। सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत हम लेते हैं, इसमें देखो सबसे पहले हम लेते हैं घनत्व को। घनत्व या डेंसिटी, ठीक है। देखो घनत्व का सीधा साधा अर्थ हम भार से लेंगे, ज्यादा फिजिक्स के अंदर नहीं जाएंगे हम। घनत्व ऐसे d इक्वल टू m अपॉन v होता है, ठीक है। इससे जो आता है वो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। m का मतलब मास हो गया, v का मतलब वॉल्यूम हो गया, यानी द्रव ये वॉल्यूम यानी आयतन का भाग अगर द्रव्यमान में दिया जाता है तो घनत्व आता है। तो हम ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाएंगे, अपने केवल घनत्व का अर्थ भार से लेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में भार से, ठीक है। तो देखो पृथ्वी का जो घनत्व है औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 GCm³ होता है, ठीक है। यह है पृथ्वी का औसत घनत्व है, ठीक है। अब पृथ्वी की आकृति कैसी मानते हैं, गोल मानते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, एक टुकड़ा ले लेंगे केवल अपने पृथ्वी का, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये एक टुकड़ा मान लो पृथ्वी का हमने लिया। अब इसका अध्ययन करते हैं। अब ये तो देखो औसत घनत्व है, ठीक है। पृथ्वी का क्या है, औसत घनत्व है, यानी ये पृथ्वी का है केंद्र, या इसको कहते हैं ये कोर, इसे कोर कहते हैं, ठीक है। और ये है सतह पृथ्वी की, इसे क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट है। तो ये देखो पृथ्वी जो सतह से लेकर केंद्र तक इसकी दूरी होती है 6370 किलोमीटर है इसकी दूरी। कहां से, इसकी सतह से लेकर केंद्र तक यानी क्रस्ट से लेकर कोर तक जो दूरी है वो 6370 किलोमीटर है, ठीक है। ये इतनी इसकी दूरी है। तो यहाँ तो पृथ्वी का हमने घनत्व लिया है, औसत घनत्व लिया है 5.5, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। इसका अर्थ यह हो गया कि पृथ्वी में अलग अलग तरह के घनत्व है फिर, ठीक है। एक ही घनत्व नहीं, अलग अलग तरीके के घनत्व है, इसलिए हमने ये औसत घनत्व लिया है, ठीक है। देखो इनको अच्छे से समझने का प्रयास करना, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे ये, ठीक है, लेकिन है नहीं इतना। अब देखो जो पृथ्वी है इसका जो इसको भागों को तीन लेयर में बांट रखा है इसको, ठीक है। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, फिर बीच वाली सतह को मेंटल कहते हैं, और थर्ड जो परत है जो केंद्र से यहां तक इसको कोर कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो जो सतह है इसका जो घनत्व होता है 2.9 से 3 होता है इसका घनत्व, जो क्रस्ट है इसका घनत्व 2.9 से 3 होता है। अब जो मेटल है उसका घनत्व 4.3 से 5.5 होता है, और जो केंद्र है इसका घनत्व 12.3 से 12.3 से 13.6 ये इसका कोर का घनत्व होता है। यानी अलग अलग लेयर के अंदर जो पृथ्वी की लेयर है क्रस्ट मेंटल और कोर, इसमें अलग अलग घनत्व है, क्योंकि जो पृथ्वी की का निर्माण हुआ है वो अलग अलग चट्टानों से हुआ है, तो अलग अलग चट्टानें हैं तो अलग अलग उनका भार है।
तो ये इसका पृथ्वी का हो गया घनत्व। तो इसका अर्थ देखो ये हुआ कि सबसे जो ऊपर सतह है उसका घनत्व कम है, फिर देखो धीरे धीरे घनत्व इसका बढ़ रहा है, पृथ्वी का क्रस्ट से लेकर कोर का घनत्व क्या बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ ये हो गया जो कोर है वो भारी तत्वों से निर्मित है, ठीक है, इसलिए जो कोर है उसका घनत्व अधिक है, इसका ये अर्थ हुआ। अब देखो कोर के अंदर क्या माना जाता है, तो इसके अंदर लोहा प्लस निकल, ठीक है, लोहा और निकल से निर्मित माना जाता है कोर को, क्योंकि ये देखो दोनों ही धातुएं क्या है, भारी है, लोहा से दोनों में लोहे के अंश होते हैं, तो ये क्या है, भारी धातुएं हैं, तो इसलिए पृथ्वी का जो कोर है उसका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। ये तो हो गई देखो घनत्व की बात। अब हम लेंगे दबाव, प्रेशर, इसे प्रेशर देखते हैं, सेकेंड बिंदु है दबाव, दबाव में देखो इसमें दो विचारधाराएं काम करती है दबाव के अंदर, एक विचारधारा है, पहली विचारधारा देखो करते हैं अपने इसको ए नाम देते हैं, ठीक है, पहली विचारधारा है उसके अनुसार ये है कि जो घनत्व है वो कोर में अधिक कैसे है, अधिक क्यों है, ठीक है, यहाँ कैसे है, ठीक है, तो घनत्व अधिक क्यों है। देखो अधिक घनत्व इसलिए है क्योंकि इसमें दबाव पड़ता है, ठीक है, दबाव पड़ता है इसमें, जो लेयर है इसकी, जो एक जो सेल है, देखो पृथ्वी की जो संरचना है सेलों से हुई है, सेल यहाँ चट्टानों से, तो इनका क्या है घनत्व, प्रत्येक चट्टान का अलग अलग होता है, तो ये क्या प्रेशर डालती है, ठीक है, प्रेशर डालने से क्या होता है, दबाव से देखो घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दबाव के कारण क्या है, घनत्व है वो बढ़ता है, ठीक है, पहली विचारधारा तो ये कहती है, और दूसरी विचारधारा यह कहती है कि पृथ्वी का जो घनत्व है अंतरतम का जो घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, ठीक है, दूसरी देखो विचारधारा ये कहती है कि पृथ्वी का, पृथ्वी के कोर का अधिक घनत्व दबाव के कारण नहीं है, ठीक है। देखो पहली विचारधारा यह कह रही है कि जो घनत्व है पृथ्वी का वो कोर में इसलिए अधिक है क्योंकि दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है, ये विचारधारा पहली ये कहती है। मगर सेकेंड विचारधारा है वो ये कहती है पृथ्वी के कोर का अधिक घनत्व दबाव के कारण नहीं है, ठीक है, इस देखो दबाव के कारण क्यों नहीं है कि ऐसा माना जाता है कि जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है वो एक सीमा तक ही बढ़ता है, ठीक है, यानी दबाव की एक सीमा है, उस सीमा तक ही वो घनत्व को बढ़ा सकती है, उसके बाद क्या है घनत्व बढ़ता नहीं है, घनत्व बढ़ता नहीं है, एक लिमिट तक ही घनत्व बढ़ सकता है प्रेशर के कारण, ऐसा नहीं है प्रेशर बढ़ता जाएगा और घनत्व बढ़ता जाएगा, ये चीज नहीं होती है। तो फिर कोर का घनत्व अधिक क्यों है,
ठीक है, यानी कोर का घनत्व तो अधिक है, ये तो हमने देख लिया था, ठीक है, इसमें तो इसका फिर कोर का तो घनत्व अधिक क्यों है? क्योंकि जो कोर है उसमें कोर का निर्माण भारी धातुओं से हुआ है, ठीक है, कोर का जो देखो निर्माण हुआ है वो भारी धातुओं से हुआ है, लोहे से और निकल से, इसलिए कोर का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, ठीक है, ये हो गया अब दबाव आपका। अब थर्ड बिंदु लेंगे हम तापमान, तापमान में देखो थर्ड बिंदु है तापमान, तापमान में देखो एक चीज है, इसको नोट कर लेना, 32 मीटर की गहराई पर अगर पृथ्वी के नीचे हम जाते हैं, 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है अगर हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो, ठीक है, इस चीज क्योंकि पृथ्वी क्या है, अंदर से भूगर्भ से क्या है, गर्म है, अभी तक वो जो पृथ्वी है हमारी अंदर से ठंडी नहीं हो पाई है, वो गर्म है, तो 32 मीटर गहराई पे जाते हैं तो 1 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और देखो तापमान का देखो इसमें, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, अब पृथ्वी में देखो क्या है, ये दो सतह है, ठीक है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट होगी, ये कोर है। अब पृथ्वी देखो गर्म कैसे हो रही है, देखो पृथ्वी तो एक तो सूर्य का ताप मिलता है तब गर्म होती है, दूसरा पृथ्वी के अंदर देखो ये रेडियो धर्मी पदार्थ भी है, ठीक है, जो उत्सर्जित होते हैं, अपनी जो ऊष्मा है बाहर छोड़ते रहते हैं, जो रेडियो धर्मी पदार्थ है वो देखो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भी कहते हैं इनको, सक्रिय पदार्थ, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं, देखो ये होते हैं अपने यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, ये क्या है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये भी अपनी उष्मा बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट के अधिक होते हैं, और जबकि जो कोर होता है इनका, इसमें केंद्र में जो तापमान देखो थोड़ा कम होता है, ठीक है, वैसे तो देखो तापमान मैंने बताया था आपको यहां से लेकर यहां तक 6370, ठीक है, 17 किलोमीटर तो इसकी गहराई होगी, ठीक है, इसकी गहराई होगी, ठीक है, इसकी ये गहराई है, तो क्रस्ट है देखो, इसमें जो तापमान होता है वो कुछ अधिक होता है और कोर पर कुछ कम होता है, वैसे तो जो तापमान है वो हमें मध्य अंदर ही अधिक मिलेगा, लेकिन यहाँ क्रस्ट में क्या होते हैं, सक्रिय पदार्थ होते हैं यूरेनियम थोरियम, तो ये भी क्या अपने उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद देखो इसमें 100 किलोमीटर पर तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, अगर 100 किलोमीटर की बात करें तो उसमें लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, ठीक है, तो इतनी अधिक तापमान होगा तो अंदर क्या होगा, ठीक है, चट्टानें क्या होगी, ये पिघली अवस्था में होगी, चट्टानें क्या होगी, पिघली अवस्था में होगी, और इसका प्रमाण क्या मिलता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से क्या है, लावा निकलता है, अब वो लावा क्या होता है, वो पिघली हुई चट्टान ही होता है जो लावा होता है, ठीक है, ये हो गया तापमान, ठीक है,
ऐसे करके जो अप्राकृतिक स्रोत है उनको हमने पढ़ लिया। अब हम लेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने कुछ सिद्धांत और परिकल्पनाएं पढ़ी थी, ये उसी से संबंधित है। जैसे सेकंड है बिंदु आपका पृथ्वी के से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। इसमें देखो जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ठीक है, उसके अनुसार पृथ्वी का जो अंतरतम है यानी जो अंदर का जो भाग है वो ठोस होना चाहिए, ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार। उसके बाद देखो लाप्लास, कौन सी परिकल्पना दी थी लाप्लास ने, निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ठीक है। अब इसमें देखो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ठीक है, आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। मगर लाप्लास क्या मानते हैं, इसे गैसीय अवस्था में नहीं मानता लाप्लास। लाप्लास कहता है यह तरल अवस्था में, तरल अवस्था में क्या है, अंतरतम भाग पृथ्वी का, ठीक है। तो जो लाप्लास की निहारी परिकल्पना है उसके अनुसार इसको गैसीय अवस्था में होना चाहिए, मगर लाप्लास अपने सिद्धांत के विपरीत कहते हैं कि ये गैसीय नहीं होकर ये तरलीय अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद जो ज्वारीय परिकल्पना थी जेम्स जेन्स की, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जेन्स की थी, वो इसे तरल अवस्था में मानता है, ठीक है, तरल अवस्था। पृथ्वी का जो अंतरतम है उसे आंतरिक भाग को ज्वारीय परिकल्पना है वो तरल अवस्था में मानती है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज देखो, गैसीय अवस्था में पृथ्वी नहीं हो सकती है अंदर से, या तो देखो तरल होगी या कठोर होगी, ठीक है, ठोस जैसे, ठीक है, या तो तरल होगी या ठोस होगी पृथ्वी, गैसीय अवस्था में नहीं हो सकती। तो ये हो गए इसके पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। उसके बाद हम लेते हैं प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी और भूकंप, इससे आप सभी परिचित हों। फिर देखो वैज्ञानिकों ने यह माना कि जो ज्वालामुखी है उससे जो पदार्थ निकल रहे हैं वो पृथ्वी की वास्तविक उत्पत्ति को बताता है ज्वालामुखी। लेकिन अब दिक्कत कहाँ हो गई, क्योंकि ज्वालामुखी से देखो लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलती है, राख भी निकलती है और कई तरह के अन्य पदार्थ निकलते हैं। अब अगर गैस यानी जलवाष्प निकल रही है तो इसका मतलब यह हुआ जो पृथ्वी है अंदर से गैसीय अवस्था में है, अब लावा निकल रहा है तो यानी वो तरल अवस्था में है, साथ में चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं ज्वालामुखी में, यानी अंदर से क्या है ये ठोस अवस्था में भी है, यानी ज्वालामुखी से भी क्या है जो निर्णय है हो नहीं पाया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस कंडीशन में है, तरल है, द्रव है या गैस है, इसका अध्ययन नहीं हो पाया, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं अपने, तो अब ज्वालामुखी के बाद अब भूकंप लेते हैं। जो पृथ्वी की देखो संरचना से संबंधित सबसे अधिक विश्वसनीय जो साक्ष्य है वो हमें भूकंप से ही मिलते हैं, ठीक है। भूकंप में क्या है देखो, पी एस और एल, तीन ये तरंगे निकलती है जब भूकंप आता है। पी तरंग
ये देखो ये विशेषता है, ये ठोस और तरल चाहे गैस भी हो, ठीक है, तीनों कंडीशन में ये जो P तरंग है ये प्रवाहित होती है। जो S तरंग है वो केवल ठोस में ही प्रवाहित होती है, ठीक है, केवल ठोस में, और तरल और या गैस में ये प्रवाहित नहीं हो पाती है। और L तरंग है, ठीक है, ये भी लगभग तीनों में ही ठोस तरल गैस में प्रवाहित हो सकती है। वैसे तो जो L तरंग है ये जो धरातल है ये धरातलीय तरंग कहते हैं, धरातल धरातलीय भाग में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो भूकंप ही एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, ठीक है, वो चलता है केवल भूकंप से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो साक्ष्य हो गए पृथ्वी की संरचना से संबंधित, ठीक है, इनके द्वारा हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है जो रासायनिक आधार पर तीन भागों में बांटी हुई है, जो कि स्वेस नामक विद्वान थे उन्होंने बांटा था, सियाल, सीमा और निफे, उसका जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।